नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया 16 जनवरी संडे मीटिंग। आज का मीटिंग है मेडिटेशन एंड हीलिंग। आप सबका स्वागत है हीलिंग एमएनडी इंडिया की संडे 16 जनवरी 2022 की मीटिंग में। आज का मीटिंग का टॉपिक है हीलिंग योरसेल्फ विद मेडिटेशन। आज हमारे साथ श्रीमती करुणा मोरे जी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं करुणा जी को अनम्यूट करना। वेलकम करुणा जी। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। मैं को होस्ट बना देता हूँ। यू कैन मैम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये करुणा मैम मेडिटेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मेडिटेशन बहुत सालों से कर रहे हैं और मैंने उनका मेडिटेशन अटेंड किया हुआ है। जो दीप्ति मैम के साथ आप कराते थे वो भी अटेंड किया हुआ है मैम। और आपका मेडिटेशन बहुत ही फायदेमंद है और हमको मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अभी होस्ट बनाऊंगा मैम एंड यू कैन स्टार्ट द मीटिंग। यस पिनाकिन जी और एमएनटी इंडिया हीलिंग ग्रुप, ये जो आप लोगों ने तैयार किया है, ग्रुप के सभी जो मेंबर हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार एंड वेलकम। मैं अपना परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों के साथ दूंगी जिससे कि आप मेरे साथ थोड़े फैमिलियर हो सके। मेरा नाम करुणा मोर है, मैं कोलकाता से हूँ और मैं ध्यान से जब जुड़ी उससे पहले मुझे भी बहुत सारी बीमारियाँ थी, डिजीजेस थी। मुझे सीजर डिसऑर्डर बोला गया था और ऐसा था कि मैं 3 साल से मेडिसिन खा रही थी। और उस समय जब मैं ध्यान से जुड़ी उस समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और आफ्टर 10 मंथ के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था। बिल्कुल काफ़ी दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी, घर पर बिस्तर पे थी, अपना काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके। और मैं जिस अवस्था में थी मैं अभी आपको उसको क्या एक्सप्लेन करूँ। मेरा बुटीक था, कपड़े का काम था, मेरा अपना बुटीक था। तो उस बुटीक में भी मैं काम नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें खुद को करने पड़ते हैं और झुकना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है। बट बैक में मेरे फ्रैक्चर हो गया था, L1 में मेरा फ्रैक्चर था, 4-5 में कंप्रेस्ड फ्रैक्चर था एंड मल्टीपल बहुत सारी चोट मेरे को बैक में लगी थी क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर से गिरी थी। तो जब मैं ध्यान से जुड़ी उसमें जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी टूटी हुई थी अपने भीतर से, इमोशनली मेंटली अपने आप को काफ़ी वीक फील महसूस कर रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका था। और जिस दिन मैं ध्यान करना शुरू करी उससे पहले से जिन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा वो 2 साल से कह रहे थे करुणा ध्यान सीख लो कर लो। मैं कहती थी ठीक है कर लेंगे ना, बस इतना सीरियसली कभी लिया नहीं था। लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे इतना तोड़ा, इतना मतलब अपने आप के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया कि मैं उस दिन उन्हीं को याद कर रही थी और अचानक उनका फोन आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा हाँ, मैं 3 दिन से आपको याद कर रही थी। वो मेरे घर आए और मेरी हालत देख करके बोले आप तो रो रहे हो, और मैं उनके सामने और जोर जोर से रोना शुरू कर दी क्योंकि जब भी आपके किसी इमोशन को कोई ट्रिगर करता है ना तो वो फिर सारा निकल के बाहर आ जाता है। तो मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी हालत देख के वो बोले आज ही से हमारा मेडिटेशन का एक सेंटर ओपन हो रहा है, आप वहाँ आओ और 40 डेज तक वहाँ हमारे साथ ध्यान करो। सीरियसली फ्रेंड्स, मैंने उस दिन से शुरू किया और उसके बाद उस 40 डेज के अंदर ही जिसे लगा मेरी दुनिया बदल गई।
जिन जिन चीजों को लेके मैं परेशान थी अपने आप वो हटने लगे, फिर अपने साथ में कुछ नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं, आप नई अच्छी पॉजिटिव बातें करते हो तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो ये सारी चीजों ने मुझे 40 डेज के अंदर बिल्कुल बदल करके रख दिया। एंड उसके बाद में सारे मेडिसिन मेरे धीरे धीरे करके सब बंद होते चले गए। एंड आप लोग को मैं बताऊं, मेरा बैक फ्रैक्चर ये होने के बावजूद भी आज मैं 30 kg तक वजन उठा लेती हूँ। वेरी गुड मैम। तो आप लोगों ने यू आर अ प्लेसिबो बुक पढ़ा होगा, लेकिन उसका कुछ उदाहरण मैं अपने आप को भी मानती हूँ कि आज भी मैं वो अगर कर पा रही हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन। बैठ नहीं सकता था जो इंसान, वो आप सोच सकते हो कि इतना ज्यादा बैक में जब होता है तो उतनी देर तक बैठना मुश्किल होता है, लेकिन एक घंटा मेडिटेशन में कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था, लगता अभी तो बैठे थे। तो ये है मैजिक। और ये सब आप लोग जानते हो कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है, आप लोग ध्यान से जुड़े हुए हो तो इसमें। तो मैं अपना एक जस्ट इंसिडेंट बता रही थी आप लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ था। एंड मेरी जो मेडिसिन जो सीजर डिसऑर्डर की जो मेडिसिन थी वो डॉक्टर कहते थे तुम्हें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, वो मेडिसिन मैंने तो कब की छोड़ दी है। मैं 2013 से ध्यान से जुड़ी हूँ एंड उसके बाद आप सोच सकते हो कि मेरी सारी, अभी मैं कोई मेडिसिन वगैरह लेती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बट उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को मैंने अलग अलग तरीके से अपने आप को हील भी किया है, वो भी मेडिटेशन के ही जो तरीके हैं उन्हें ही समझते हुए और उसके साथ जो हम कर सकते हैं उसको यूज करते हुए मैंने अपने आप को हील भी किया है। बिकॉज बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस, मैं अभी आप लोगों से उसी के बारे में बात करूंगी, आप लोग हो सकता है कि सारी बातें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अपने जब बार बार उस बात को सुनते हैं तो वो मोटिवेशन हमें फिर से मिलता है कि यस हम कर सकते हैं। तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम, तो जो भी अगर हम बोले कि डिजीज है या जो भी है, वो कोई भी कारण से कभी भी आ जाती है, लेकिन हमें हील होना आना चाहिए, हमें वो की मिलनी चाहिए कि हम अपना वो दरवाजा खोल सके, वो ताला खोल सके। तो यस फ्रेंड्स, मैं अभी और लेट ना करते हुए आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन रखूंगी। यस पिनाकिन की मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ना? जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। मैं आई हैव मेड यू द होस्ट। यस तो क्या मुझे आप होस्ट नहीं बनोगे तो फिर म्यूट क्या मुझे सबको भी करना पड़ेगा? नहीं, मैं म्यूट कर दिया है सबको, ऑटोमेटिक म्यूट है। ओके। आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग इस प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे देख नहीं पाओगे बट मैं आप लोग को सुन पाऊंगी, आप लोग मेरी आवाज भी सुन पाएंगे। तो कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप लिख के रखना। एंड थैंक यू जो लोगों ने अपने वीडियो ऑन रख रखे हैं, बिकॉज आजकल ग्रुप में जाते हैं तो आधा टाइम किसी के वीडियोस ऑन नहीं होते हैं, तो बड़ा मतलब एक माहौल उतना बन नहीं पाता है। तो आप लोगों ने, मैंने एक ही अभी राउंड में देखा कि कई लोगों के अभी वीडियो ऑन है, तो थैंक यू जिन लोगों ने अपने कैमराज को ऑन रख रखा है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट यही रिक्वेस्ट था कि while we go forward there are some rules and reminders to keep in mind. First यही था कि अपने कैमराज जो हैं वो ऑन रखें और माइक को अपने म्यूट रखें। तो उसके बाद में था और बाकी जो भी आपके फोन वगैरह हैं आप उन्हें स्टॉप रखें, जिससे कि आप मतलब अच्छे से क्लास को सुन सके और मेडिटेशन में जा सके, कोई मतलब बीच में कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो पाए। यस, और आपके कोई भी अगर क्लियर क्वेरीज हैं या डाउट्स आपको कुछ भी अगर आते हैं या कुछ भी अगर क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। यस यस फ्रेंड्स, हील योरसेल्फ, सेल्फ हीलिंग थ्रू पावर विद इन। हम सबके अंदर में असीम पावर है। पिनाकिन जी, आप अपने आप को भी म्यूट कर लो। जरूर मैम। हम सबके अंदर में बहुत सारा पावर है जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, कई बार है भी लेकिन
कई बार हम भूल भी जाते हैं और कई बार हमें जानकारी बिल्कुल होती नहीं है। हम क्योंकि अपनी सीमित ज्ञान के हिसाब से, सीमित अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही हम अपने पावर को लेते हैं, मतलब अपनी शक्ति को हम समझते हैं कि हम इतने ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि कभी आपको चोट लग जाती है, कहीं पे आपके कट हो जाता है, तो ऐसा कुछ है हमारे पास जिसे हम खाकर तुरंत ठीक हो जाएं, या जिसे हम उस चोट पर, उस कट पर लगाकर ठीक हो सकते हैं? है कुछ ऐसा हमारे पास? मुझे तो नहीं मिला कुछ ऐसा कि हमने कुछ लगाया और तुरंत हम ठीक हो गए। हम कुछ लगाते हैं उससे हमें आराम मिलता है, उस चोट पर हम लगाते हैं तो वो जो फिजिकल पेन है हमारा, या वहां पर जो हमें ऊपर से हीलिंग की जरूरत होती है, उसमें आराम हमें मिलता है। लेकिन हीलिंग तो हमारे अंदर से ही होती है। कोई कहीं भी हमारा कट लग जाए, कहीं वो जुड़ जाता है अपने आप? नहीं, वो हीलिंग हमारे पास खुद से, भीतर से होती है। तो यस फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ उदाहरण है कि ये पावर जो हमारा हीलिंग का है, वो एक कट के लिए भी हमारे अंदर के उस पावर से ही आता है। हील करने का पावर या शक्ति हमारे अंदर है, ना कि कहीं बाहर है। यस फ्रेंड्स, हम मेडिसिन की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, हमें डिजीज होती है, कई बार हमें चोट लग जाती है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, या हमें उस हेल्प लेने की वजह से हमारी हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। अपने अंदर के पावर के साथ जुड़ने के लिए, तो जो पावर, मतलब आज अगर आप दर्द से ही कराह रहे हैं, आपके अंदर कोई भी शांति नहीं है, तो क्या अपने पावर के साथ आप जुड़ सकेंगे? अपनी शक्तियों के साथ आप जुड़ सकेंगे? शायद उतनी तेजी से आप अपनी शक्तियों के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। अगर मुझे आज कहीं दर्द हो रहा है, क्या मुझे नींद आएगी? नहीं आएगी। तो नींद लेने के लिए हमें कोई पिल्स लेने पड़ते हैं, या कुछ हमें उपाय करना पड़ता है कि मुझे थोड़ी आराम मिल जाए, मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, मैं थोड़ी सी सो लूं तो मेरा ये दर्द कुछ कम हो जाए। तो यस फ्रेंड्स, अगर हम मेडिसिन लेते भी है तो भी हमारी हीलिंग अपने आप ही होती है। इसका एक और उदाहरण मैं आप लोग को दूं कि अगर हम किसी बच्चे को हम चाहें कि हम खींच करके लंबा कर दें और वो बड़ा हो जाए, या हमसे कुछ खिला पिला दे कि वो लंबा हो जाए तुरंत, ऐसा हो सकता है? नहीं। उसकी लंबाई, उसकी जो एज है, या समय के साथ में वो अपना उस हिसाब से ऊपर बढ़ता है, उस हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। तो वो ग्रोथ क्या है? वो हमारे खुद के अंदर का वो पावर है। तो यस फ्रेंड्स, यह हीलिंग हमारे ही अंदर है। इसे हम सिर्फ समझकर, अपने अंदर हम जागृत कर सके, एक्टिव कर दे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें उसे सिर्फ एक्टिव करने की, उसे जागृत करने की जरूरत है। आज के सेशन में हमारी देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं, वैरायटीज ऑफ बीमारीज है। अब किस बीमारी में क्या प्रोसेस काम में लगेगा, किस बीमारी में किस तरह का प्रोसेस काम करने से हम उस शक्ति के ज्यादा करीब पहुंच सकेंगे, अपनी उस बीमारी को हम ठीक कर सकेंगे, ये डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे प्रेस्क्रिप्शन, अलग अलग बीमारी के लिए हमें अलग अलग दवाइयां खानी पड़ती है, उसी तरह हमारे अंदर जिन शक्तियों की हमें जरूरत है, उन शक्तियों को हमें अपनी बीमारी के हिसाब से उसे जगाने की जरूरत पड़ती है। फिर भी कुछ एक कॉमन चीजें हैं जिनको करने से हम इन शक्तियों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स एनर्जी फॉर्म, इन एडिशन टू द 114 चक्रा इज ऑल्सो हैज 72,000 नाड़ीज। आप सभी को शायद पता होगा कि हम ये जो फिजिकल बॉडी हम दिखाई देते हैं, इसके अलावा भी हमारे और 7 बॉडीज है, और वो 7 बॉडीज का अपना काम है। ऐसा नहीं है कि वो 7 बॉडीज का कोई काम नहीं है। मैं आज आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दूंगी, एक्सपीरियंस भी कराऊंगी कि ये 7 बॉडीज हमारे शरीर के साथ है, इस बात का एहसास आप खुद कर सके। एक मिनट में क्या अभी कर लूं ये चीज, जिससे कि आप लोगों को इजी होगा समझने में।
यस फ्रेंड्स, किसको किसको अनुभव है अपने और बॉडीज का, मतलब इस फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारे और शरीर हैं, ये अनुभव आप में से कितने लोगों को है? प्लीज अपने हाथ उठा दें या यस लिख करके दें चैट बॉक्स में। है किसी को अनुभव? नहीं है तो भी लिख दे। यस मिनाकिन जी, आपका मैं जानती हूँ, आप निश्चित रूप से जानते हो। बाकी कितने लोग जानते हैं? किन किन को अनुभव है? ओके, तो मैं नहीं है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को पहले वही करवाती हूँ कि आप अनुभव कर सकें कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके अलावा भी हमारे शरीर हैं, राइट? तो अभी मैं एक चीज आप लोग को अनुभव करने के लिए बोलूंगी। आप बिल्कुल आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल के, जैसे भी आप अनुभव करें, इस तरह हाथ के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से एक वाइब्रेशन को आप फील करेंगे, अपने दोनों हाथों में आप फील करेंगे। हो रही है? ऐसे मूव करें थोड़ा सा, जिससे कि आप महसूस कर सकें इजीली। कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा मूव करवाएं अपने हाथों को, धीरे धीरे बिल्कुल। और नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पास में नहीं, थोड़ा सा दूर रखते हुए मैं आप लोगों को अपनी इस फिजिकल बॉडी से अलग कोई हमारा शरीर है उसका अनुभव करवा रही हूं। जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था और अभी, इन दोनों को आप अनुभव करो। आपको एक वाइब्रेशन फील होगी अपने दोनों हाथों के बीच में। हो रही है? यस फ्रेंड्स, यस यस पिनाकिन जी, बाकी लोगों को आप लोग कर रहे हो? अगर नहीं करोगे तो फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा आप लोगों को, तो प्लीज एक्सपीरियंस करें इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। सिर्फ थ्योरी ना समझें, प्रैक्टिकल हर चीज हमारा साइंटिफिक है। आप अच्छे से करो, एकदम आराम से फील होता है, बिल्कुल आराम से फील होता है। हाथों के बीच में भी फील होगा, आप इसको ऐसे मूव कर सकोगे, आप पास पे लाओगे तो आपको फील होगा। यस, किसी और को हुआ? किसी और को हुआ? यस, और किसी को? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो आप लोग आज और इसे प्रैक्टिस करिएगा और महसूस करने की कोशिश करिएगा, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर हमने कहा सेवन बॉडीज, तो हमारे जो ये फिजिकल बॉडी होती है ना, फिजिकल बॉडी के बिल्कुल पास में हमारी एथरिक बॉडी होती है। जो अभी मैं आप लोग को फील करवा रही हूं वो है हमारा एथरिक बॉडी। और ये एथरिक बॉडी जो होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर में सेंसेशन, ये जारी ये जो संवेदनशीलता है, ये सारे इसी की वजह से हम महसूस करते हैं। ये हमें और बॉडीज के साथ में जोड़े रखता है। और जब एक बात मैं और आज आप लोग को बताऊं कि जब हम लोगों को एनेस्थेशिया दिया जाता है, जब हमारा ऑपरेशन किया जाता है, तो हमारी इस एथरिक बॉडी को थोड़ा हमारे फिजिकल बॉडी से दूर करने का ही प्रोसेस है। उस एनेस्थेशिया से हमारी एथरिक बॉडी को तुम्हारे हमारे फिजिकल बॉडी से जब दूर किया जाता है, तो हमें हमारे ऑपरेशन होने में होने वाले दर्द को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो एथरिक बॉडी, इस तरह हम अपने एथरिक बॉडी को महसूस कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है,
इस एथरिक बॉडी के अंदर में ही हमारे ये चक्रास और नाड़ीज होते हैं, जो मैं 114 चक्रास की बात कर रही हूँ वो हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं। आप सभी ने चक्रास के बारे में तो जरूर सुना होगा, आज सब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि चक्रास के बारे में हम सभी कहीं ना कहीं से सुन ही लेते हैं। तो चक्रास जो है हमारे, वो हम अगर हमारे शरीर को काटा जाए तो कोई चक्र दिखाई नहीं देंगे, है ही नहीं तो हमारे शरीर में ऊपर की फिजिकल बॉडी में तो दिखाई कहां से देगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा चक्रास जो है वो हमारी एथरिक बॉडी के अंदर होता है, और हर चक्रास जो है वो एनर्जी सेंटर है, ऊर्जा का स्रोत। जैसे कि आज मान लीजिए कि आप जिस भी इलाके में रहते हो वहां पर एक जो एक जो मेन पावर हाउस होता है वहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में ये जो चक्रास होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहां से मान लीजिए कि मेरा अगर गले का चक्र है तो मेरे आसपास की जो यहाँ पे ऑर्गन है उसमें एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो उसी चक्र से। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा प्रोसेस है एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे बॉडी का सिस्टम है, राइट? अभी तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में वो भी डाल सकते हो। तो ये एनर्जी सेंटर जो है और ये जो नाड़ियां है, वो नाड़ियां जो है हमारे वायर्स, जैसे कि जो वायर हमारे एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, एग्जैक्टली ये नाड़ियां हमारे जो नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो उनका चलते रहता है। वो अपने इस एनर्जी को, हमारे एनर्जी को पूरे बॉडी में फैलाते हैं, और ये कहाँ फैलती है? हमारे ऑर्गन्स में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक ग्लैंड्स में जाती है। ग्लैंड्स तो हमारे फिजिकल बॉडी में होता है, ये आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन इस ग्लैंड के साथ साथ हमारे ये चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जो कि वहां पर उसके साथ अटैच्ड होते हैं और उस ग्लैंड को वो एनर्जी देते रहते हैं। तो 72 नाड़ियां जो है वो एवरी और एनर्जी चले अलोंग विद वाइटल एनर्जी और प्राणा मूव्स अ सब हेडिंग। तो सारे जो जगह पर जो है ये जो मूव होता है हमारे प्राणा, जो शक्ति जो हम बोल रहे हैं, वो शक्ति को जो हमारे अंदर एनर्जी है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, ये जो चैनल्स होते हैं 72,000 नाड़ी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सभी ने 7 चक्रास तो हमारे बॉडी पार्ट्स में बॉडी में देखे ही हैं। ये हर एक चक्रा जो अलग अलग स्तर पर, ये 7 मेजर चक्रास होते हैं, ये 7 मेजर चक्रास जो है वो हमारे पूरे सब बॉडी के अंदर में एनर्जी को हर एक ऑर्गन के अंदर भेज रहे होते हैं। तो ये पावर मैं अभी आप लोग को ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ, मेरा ये बताने का क्या पर्पज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि हमारे डिजीज के होने का। वो क्या होता है कि इफ एवरी ब्लॉक चक्रा इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी और नॉट फ्लोइंग, एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग इजीली, वो जो है वो हमारे अंदर डिजीज को क्रिएट करते हैं। अब कारण हमारे इस एनर्जी के फ्लो नहीं होने का कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में कहीं भी एनर्जी का फ्लो अगर सही तरीके से नहीं हो रहा तो वो डिजीज क्रिएट करता है। डिजीज अपने आप में वो शब्द है कि हमारा शरीर ईज में नहीं है। अगर मैं ईज में होंगी, मुझे आराम से मेरी एनर्जी मिल रही है तो मुझे कोई डिजीज होगी नहीं, लेकिन मैं ईज में नहीं हूं इसीलिए मुझे डिजीज है, राइट? तो हर चक्रा, हर नाड़ीज के अंदर पूरी तरीके से अगर एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो हम डिजीज से ग्रस्त होते हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इसमें कारण बहुत सारे हैं, वो आज सारे तो मैं नहीं कवर अप कर पाऊंगी, बट थोड़े बहुत मैं आज थोड़े डिस्कशन करूंगी आप लोगों के साथ में। तो ऊर्जा का संचार क्यों रुकता है मनुष्य के शरीर में, वाई एनर्जी ब्लॉक हैपेंस? तो ये होता है, हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, चाहे वह फिजिकली हो चाहे मेंटली हो,
तो एक से ज्यादा चक्र भी कई बार हमारे बैलेंस उनका बिगड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में एनर्जी नहीं आ रही है, तो वो एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपके घर तक आने में कहीं पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई है, राइट। उसी तरह हमारे शरीर में जिस पार्ट में हमें ऊर्जा की जरूरत है, आपके घर में ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन उस घर में अगर ऊर्जा का फ्लो नहीं आ रहा तो क्या होगा, आपके जो एनर्जी का जो वहां पर गड़बड़ हो रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है और वो ब्लॉक हो जाते हैं। पर्सनल हैबिट, इसका कारण क्या क्या है, कारण कई हैं लेकिन मैं इसे शॉर्ट में याद बता रही हूँ। तो पर्सनल हैबिट होता है, तो पर्सनल हैबिट में जैसे कि आज हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल जिस तरह की जीते हैं, कभी हम किस तरह से खा रहे हैं, कितनी बजे सो रहे हैं, कितनी बजे उठ रहे हैं, ना हमारी फिजिकल एक्सरसाइज उतने हो पा रहे हैं, हम काम में इतना बिजी हैं कि हम अपने शरीर की तरफ ख्याल ही नहीं कर पा रहे। हमारे फिजिकल जो मूवमेंट होनी चाहिए हमारे शरीर की, जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो फिजिकल अलाइनमेंट और पोश्चर्स, हम जैसे कि मैंने कहा कि आज मान लीजिए कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, एक ही चेयर पर बैठ के काम कर रहे हो, आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा, आपकी वो एनर्जी खर्च नहीं हो पा रही जो आपके पास आ रही है, तो वो क्या होगा, वहां भी जा करके हमारा ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, हमारे ईटिंग अनहेल्दी फूड, हम जो फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो अगर हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, वो हमें ऊर्जा नहीं दे रहे। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो ऊर्जा का कनेक्शन बनता है। हम जो खाते हैं उसमें से कुछ फूड आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कुछ सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं, कुछ राजसी होते हैं, लेकिन जो सात्विक फूड होते हैं उनके अंदर में क्या है कि प्राणा ऊर्जा ज्यादा होती है। और हम लोग अभी जो फूड अगर पैक फूड खा रहे हैं, तो वो पैक फूड के अंदर में प्राण ऊर्जा है कहाँ। आज मान लीजिए कि एक चना है या आप कुछ भी ऐसी चीजें जिसके कि हम फ्रूट्स ही हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कि आप बीज को भी कहीं डाल दो ना, तो वहां से एक नया जीवन निकल जाएगा, नया पौधा निकल आएगा। तो वो नया जीवन, वो प्राण ऊर्जा, वो हमें सात्विक फूड में मिलती है। लेकिन इस समय जब हमें समय नहीं है, या हम अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे ही बना रखे हैं कि हम अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, तो भी वो क्या होता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में कॉज अ चक्र टू बी इम्बैलेंस। उसके बाद में हमारे बहुत सारे और इमोशन हैं, हम अपने इतने सारे इमोशंस के साथ बैठे, वो इमोशंस हमारे जो हैं वो भी हमारे चक्रा को बहुत ज्यादा इनबैलेंस करते हैं। और ये सारी चीजें हम सभी फील किए हैं अपने लाइफ में, चाहे कम या बेसी, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हमारे लाइफ में होता है। और ये सब कुछ हमारे चक्रास को कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी को फ्लो होने में रोकता है। तो यस फ्रेंड्स, जो कारण है हमारे डिजीज का, वही हमारे हीलिंग का रास्ता भी वहीं से हमें मिलता है। हीलिंग इज अ चॉइस। एक्चुअल में हीलिंग क्या है, हमने अगर एक बार ये सोच लिया कि मुझे अब हेल्दी रहना है, मुझे अब स्वस्थ रहना है, अपने आप को सही करना है, ये सबसे पहला स्टेप है कि हम चॉइस तो ले, क्योंकि हमें पता सब कुछ है, मुझे हेल्दी खाना है, सात्विक फूड खाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे अपने आप को इम्बैलेंस से रोकना है, अपने इमोशंस को, सब कुछ हमें पता है, फिर भी उस सर्कल में हम फंस जाते हैं। तो यस फ्रेंड्स, हमें ये चॉइस अपने आप से करनी है, अपने आप को ये बताना है कि मुझे अपने इस लाइफस्टाइल में या इस तरह के जीवन से अपने आप को अब अलग करना है।
So it's not an easy one because it takes work to turn around your habits. तो जैसे मैंने अभी बोला ना, हमें सब कुछ पता है, मैं आप लोग को जितनी बात बता रही हूँ आप सबको जरूर पता होगी, लेकिन ये बार बार हमें सुनने का, बार बार जानने की जरूरत हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये हमारे हैबिट में नहीं है और हम जिस सर्कल में फंस जाते हैं वहां हमें हीलिंग की फिर से जरूरत पड़ती है. सो फ्रेंड्स, कीप मेकिंग द चॉइस एंड शिफ्ट विल हैपन. अपनी चॉइस करो कि हम जीवन को कैसे जीना चाहते हैं और अपने आप में, अपनी हैबिट में, अपने लाइफ स्टाइल में हम जैसे ही चेंज लेके जाएंगे हमारे अंदर में चेंज जो है वो जरूर दिखाई देगा. हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे जब बीमारी होगी तो मैं कर लूंगी, आज तो मुझे अब इंजॉय करने दो. नहीं, वो धीरे धीरे हम डिजीज की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं. तो एवरी डे के लाइफ में हमें इस चीज को अपनाना है. तो यस फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर हमने इन सारी चीजों को अपनाया नहीं अभी तक, जैसे मैंने अपनी कहानी बताई, मैंने कितने सालों तक जो जीवन जिया वो तो मेरा जीवन आज के जीवन से बिल्कुल डिफरेंट था. मुझे अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, जिसे मैं कहूँ मैं बस एक नशे में जिए जा रही थी, जीवन को इंजॉय नहीं कर रही थी, जीवन के अंदर में वो आनंद नहीं था जो मैं आज महसूस करती हूँ. और उस समय जैसा कि मैं भी करती थी, आप सभी भी शायद करते होंगे, कि हमें कोई डिजीज हो जाए तो हम क्या करते हैं उस समय, थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फूड के प्रति. सबसे पहले हमारा ध्यान यही जाता है ना, नहीं मैं खाना ऐसा खा रही थी, अभी ठीक कर लेते हैं. तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं. और फिर अगर हमें डिजीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, चलो मेडिसिन खा लेते हैं, जो प्रॉब्लम है निकल जाएगी, काम खत्म. ये भी कर लिया. फिर उसके बाद अगर डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरसाइज करो नहीं तो आप सही नहीं होगे, वो भी शुरू कर दिया. चलिए उसके बाद कोई डिजीज बहुत ज्यादा ऐसी हुई कि जो डॉक्टर ने काफी डरा दिया कि आप तो ठीक नहीं हो सकते हो, आपको बहुत ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है या फिर उसे इतना टाइम लगेगा. तो हम क्या करते हैं, भगवान के पास सामने हाथ जोड़ करके प्रेयर भी करते हैं, वो भी शुरू हो जाता है. और इतनी सारी चिंता के बाद हम सोने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नींद नहीं आती, नींद के लिए भी फिर मेडिसिन खाते हैं. तो यस फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम करते हैं. तो इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं? हमें अपने डेली के लाइफ में, मैं आप लोग को कह रही हूं ना, हमें डेली के लाइफ में अपने फूड के प्रति सजग होना है, क्योंकि वो हमारी प्राण ऊर्जा है. जो फूड हम खा रहे हैं वो कितना सात्विक है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, चाहे हमें बीमारी हुई हो या नहीं हुई हो. ये हीलिंग का प्रोसेस हमें छोड़ना नहीं है. मेडिसिन हम जो खा रहे हैं, अगर कोई बीमारी हमें प्रॉब्लम हो भी जाती है तो ये मेडिसिन मेरे लिए कितनी सही रहेगी, इसका चुनाव भी बहुत जरूरी है. कई बार हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट हमें और एक बीमारी दे जाते हैं. तो ये मेडिसिन का चुनाव अगर आप कर रहे हो तो सजगता से करें. मैं ये नहीं कहूंगी कि आप क्या खाएं या क्या ना खाएं, कि मैं डॉक्टर नहीं हूं. दूसरा, एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे हीलिंग का है. जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारे अंदर में जो एनर्जी, जो मैं ब्लॉकेज की बात कर रही थी, वहां पर फ्लो होना शुरू हो जाता है. वो ब्लॉकेज जो है वहां पर प्राण ऊर्जा का जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा वहां पर ब्लॉक थी वो ऊर्जा अब मूवमेंट उसमें शुरू होता है. देन प्रेयर,
प्रेयर जो हम भगवान के सामने है, भगवान मुझे ठीक कर दो, या इस तरह के भगवान के मंदिरों के चक्कर लगाकर हम सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो नो फ्रेंड्स, ये रास्ता नहीं है प्रेयर का। आप प्रेयर करना चाहते हो करें, लेकिन आप अपने अंदर में उस विश्वास को भरे, उस कॉन्फिडेंस को भरे, जिस अफर्मेशन की हम लोग बातें करते हैं ना अपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद में, वो अफर्मेशन प्रेयर ही है। बट वो अफर्मेशंस आपके दिमाग को रीवायर करें, वो प्रेयर आपके दिमाग को रीवायर करें। मंदिर जाइए, जरूर जाइए, क्योंकि वह स्थान एक एनर्जी सेंटर है, आपको ऊर्जा देता है। लेकिन आप जब प्रेयर करें ना, तो सिर्फ हाथ जोड़ करके मांगे नहीं, प्रेयर के अंदर में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपके ब्रेन को फिर से रीवायर कर सके, वो कॉन्फिडेंस से आपको भर सके, ट्रस्ट के साथ। सिर्फ ये नहीं कि हम चक्कर लगाएंगे, मंदिर में घुसेंगे और निकल जाएंगे और भगवान जी खुश हो जाएंगे कि मैंने वहां धूप लगा करके आ गए और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या ऐसा संभव है? इस भ्रम से बाहर निकलें। जिस एनर्जी सेंटर में आप जा रहे हैं उसकी एनर्जी तो आप लेकर ही नहीं आए, तो क्या फायदा हुआ? बाहर भीतर तक गए नहीं कि बाहर पहले निकल के आ गए, तो क्या फायदा हुआ? हर एक मंदिर एक बहुत बड़ा एनर्जी सेंटर है, जब भी वहां जाए मेडिटेशन करें, ट्रस्ट के साथ। और जो पहले के मंदिर बनते थे, मैं दोस्तों आप उनके बारे में बताऊं कि वो बहुत ही तरीके से इस तरीके से बनते थे कि वहां एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा होता था, जहां वो मूरत रखी जाती थी उसके नीचे और ऊपर, उसे इस तरह से एनर्जाइज किया जाता था कि वह एनर्जी सारी तरफ फैलती थी। तो यस फ्रेंड्स, कभी ऐसे मंदिर में जाएं जहां की आपको बहुत अच्छा लगता है, तो जरूर मेडिटेशन करें। और स्लिप से हमें हर दिन जो ऊर्जा मिलती है वो हमें सोने से ही मिलती है। आप सभी जानते होंगे कि अगर हम सोए नहीं तो ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। मैं 2 दिन तक आप लोगों को खाना खिलाती रहूं, सोने ना दूं, तीसरे दिन आप बोलोगे मुझे खाना नहीं चाहिए, सोने दो। क्यों? क्योंकि जिस तरह जो मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, फिर से जब उसे चार्ज ना लगाए हम चार्ज नहीं होते, उसी तरह सोना हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरे दिन चार्ज हो सके। तो यस फ्रेंड्स, इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं? एक हमारे कभी भी कोई डिजीज हो या ना हो, हम अपने नाड़ियों को अगर शुद्ध रख सके, नाड़ियां जैसे मैंने बोला कि वायर जो हमारे शरीर में चारों तरफ फैले हुए हैं, हमारे चक्रास को हम अगर क्लियर रख सके, अगर किसी नाली के अंदर में कोई कूड़ा ना फंसा हो तो पानी झड़ाधड़ जाएगा ना, लेकिन उसी नाली में अगर कोई कुछ जम जाए तो क्या होगा? वहां पानी आराम से नहीं जाएगा। तो हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध रखें प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम जो है वो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारे नाड़ियों को खोलता है। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डिजीज से ग्रस्त हो तो प्राणायाम करें, नहीं हो तो भी करें। अगर ग्रस्त है तो आपको जरूरी है कि आप प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी वो नाड़ियां खुल सके और आप फिर से एनर्जी से अपने आप को भर सके। देन फ्रेंड्स, म्यूजिक। लाइफ के अंदर में म्यूजिक का जो है, संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। संगीत में जो फ्रिक्वेंसी होती है वह फ्रिक्वेंसी हमारे मूड को, हमें, हमारे चक्रास को, हमारे एनर्जीज को खोलती है, हमारे एनर्जी को इन्हेंस करती है और हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो अपनी जिंदगी के अंदर में, अपने लाइफ के अंदर में म्यूजिक को ऐड करें। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं
तो ऐसे बहुत सारे हीलिंग म्यूजिक है, इतने बहुत सारे मतलब सिर्फ जिसमें कि कोई गा नहीं रहा है, सब इंस्ट्रूमेंटल जो है म्यूजिक जो है उन्हें चला कर रखे, उसकी फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर किस तरह से काम करेगी ये आप लोग को पता नहीं है। यस फ्रेंड्स, उसके अलावा मेडिटेशन, इसके लिए तो कुछ बोलने का ही नहीं है, आप सभी जानते हो कि जितनी ऊर्जा हमें सोने से मिलती है उसे कहीं 3 गुना ऊर्जा हमें मेडिटेशन में मिलती है। एंड प्रेयर, तो जब भी प्रेयर करें पॉजिटिव रह करके करें, अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए करें। अगर आपके मन में ये कहीं आ गया है कि मेरी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, तो नहीं, अपने आप को अपने ब्रेन को रीवायर करें कि आप फिर से एनर्जेटिक हो करके फिर से ऊर्जा से अपने आप को भर सके, पूरे ट्रस्ट के साथ। एक स्पिरिचुअल वो हीलर ही हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस एक वीडियो में बोला था कि एक लेडी को कैंसर हो जाता है, वो अमेरिका में थी, डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल कि अब उसके 4th stage का कैंसर है और वो ठीक नहीं हो सकती है। और वहां से वो लेडी यहाँ आती है इंडिया में, चाइना में जाती है, और फिर वहां पे बौद्ध जो मंदिर है, शायद इंडिया ही आती है या मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, और वो एक लेकिन बौद्ध मंदिर में वहां जाती है, और वहां पर वहां 3 जो मॉन्क होते हैं वो एक साथ चैंट कर रहे होते हैं, वो बुद्धिस्ट भाषा में कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो लेडी कुछ ही देर में, उसका वीडियो बनाया जाता है, मतलब विथ स्कैन के साथ में होता है, और कुछ ही देर में वो लेडी ठीक भी हो जाती है। तो पावरफुल इतने होते हैं हमारे अफर्मेशन, जबकि हम उसको अगर भीतर तक ले ले और हमारे ब्रेन में वो इस तरह से अगर रिवायर कर ले, तो हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी ठीक हो से हैं। तो यस फ्रेंड्स, आज बोलने के लिए बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगी, बिकॉज चक्रास क्यों और ब्लॉक होते हैं, इसके इमोशनल रीजन इतने हैं कि मैं आज सारा टाइम अगर बोलती रहूंगी तो भी कम पड़ेगा। तो मैं उतना आज डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को कुछ टेक्निक सिखाना चाहती हूँ जिससे कि आप लोग एवरीडे प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस आप लोगों को आज या मतलब आज तो आपको करनी ही है, उसके अलावा कल से आप लोग शुरू कर सके। तो आज मैं ज्यादा नहीं आप लोग को बोलूंगी, अभी थोड़े और 2-3 स्लाइड है, मैं उसके बारे में बताते हुए फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो प्राणायाम डायरेक्टली वर्क ऑन नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम पे प्राणायाम जो है वो काम करता है। दूसरा हमारा नेवल जो होता है, हमारी जो नाभि जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ की अगर हम अपनी ऊर्जा को जगाना चाहे, अपने अंदर की वो शक्ति को जगाना चाहे, तो अगर हम अपनी नाभि के साथ काम करें, अपनी ऊर्जा को हम बहुत आसानी से एक्टिव कर सकते हैं, जो कि हमें हीलिंग पावर देगी। The navel has the DNA to our soul, hence in order to open the channel of self-healing and transformation, it is important that we regain our consciousness, not just superficially but from the roots. सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, जैसे मेडिसिन हमें ठीक कर दी, ऊपर से कुछ मेडिसिन हमने लिया, कुछ दिन के लिए हम ठीक हो गए, फिर हम वापस आ गए, नहीं, हमें रूट से ठीक होना है, एकदम जड़ से। उस जड़ से ठीक होने में हमारी नाभि जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। विथ आवर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट, आवर बॉडी रिलीज टॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल टू आवर ओन हेल्थ। अभी तक हमें अज्ञानता में हमने जो भी अपनी लाइफ स्टाइल अपना ली, अपनी ईटिंग हैबिट अपना ली, लेकिन उससे बॉडी से जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में निकले वो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं।
The navel has the supreme power to strengthen and also activate our body's inner strength to heal itself and recover from conditions that are caused due to the release of these toxins. तो यस फ्रेंड्स, जो हमारा ये नाभि है, ये हमारे बहुत सारे पावर को एक्टिव कर सकता है जो कि हमें हीलिंग एनर्जी दे। यस फ्रेंड्स, मैं कुछ आप लोगों को बुक भी रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इन बुक्स को आप पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि यस हमारे अंदर में कितनी हीलिंग पावर पोटेंशियल, हमारा इतना शक्ति है हमारे अंदर में, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे लोगों ने यूज किया है। यू आर द प्लेसिबो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन हील योर लाइफ। इन लोगों ने अपने जीवन में अपने अंदर की इन शक्तियों को पहचाना, उसे यूज किया, अपने आप को हील किया, लोगों को हील किया। और ये फ्लिपकार्ट, और मैंने इसीलिए डाला है कि आप लोग इसे देख सके कि ये सब अवेलेबल है, आप लोग इसे मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, अभी जो इमोशनल है, मैंने उस पार्ट को आज बात ही नहीं की है, आज सिर्फ फिजिकल जो हम कर सकते हैं अपने साथ अपनी शक्तियों को समझने के लिए, बस उस पार्ट को मैंने लिया है। अदरवाइज मैं इमोशंस को लेकर के भी अगर करती तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, हमारा मेडिटेशन मिस हो जाता। तो यस फ्रेंड, जैसा कि मैम आई एम डूइंग मेडिटेशन बट कॉन्स्टेंटली आई एम हैविंग दैट ड्रीम दैट आई एम आज ये ड्रीम से रिलेटेड जो है बात हम लोग आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी दिन करेंगे। आज हम लोग फिजिकल पार्ट को लेकर के आज बातें कर रहे हैं, और जो मेरा आज मेन पर्पज है कि मैं आप लोग को इस अवेयरनेस के साथ जोड़ सकूं कि इस पावर को हम लोग अपने अंदर में इस फिजिकल तरीके से ही कैसे हम अपने आप के पावर को जगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला कि हम आज प्राणायाम सीखेंगे जो हमें एवरी डे की लाइफ में, अभी जैसे कि अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, या इन जनरल भी हमें अपने आप को, अगर हम अपने आप को अगर स्वस्थ रखें तो फिर हम बहुत चीजों से आराम से सेफ रह सकते हैं। तो दो तीन प्राणायाम है जो मैं आप लोग को बताऊंगी, और एवरी डे आप सुबह से रोज करें। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो सुबह के समय, जब आपका एक लॉन्ग टाइम आप जब मेडिटेशन करते हो, उससे पहले आप इन प्राणायाम को करें और उसके बाद मेडिटेशन करें। लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदले, अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू करें। ये नहीं जब समय मिलता है तो हम मेडिटेशन कर लेंगे, एक समय निश्चित करें, मुझे सुबह अगर 6 बजे करना है तो करना है, 7 बजे करना है तो करना है, और उस समय आप अगर आधा घंटा करते हो तो आधा घंटा से ही शुरू करो, लेकिन करो। तो सबसे पहले अगर जो भी अगर ओम चैंटिंग करते हो जानते हो, मैं किसी दिन और आप लोग को ओम चैंटिंग भी सिखाऊंगी, आज मैं नहीं सिखा रही, उसे आप करें सुबह सुबह। उसके बाद में प्राणायाम में जैसे कि अलोम विलोम आप सभी जानते हो, नाड़ी शुद्धि के लिए अलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हमारी जो चंद्र नारी है, सूर्य नारी है, ये आप लोगों ने शायद सुना होगा, हमारे गर्म और ठंडी नाड़ियां होती है, और वो सारे हमारे बॉडी का बैलेंस ये दोनों नाड़ियां ही करती है। तो अगर हम उन्हें शुद्ध रखें, उन्हें क्लियर रखें, तो हमारे अंदर में एनर्जी का जो फ्लो है वो बैलेंस होकर चलते रहेगा ठीक से। तो एवरी डे जो है अलोम विलोम करना है, कम से कम 2 मिनट करना जरूर करें। आप सभी को पता है क्या करना होता है, तो अपने दोनों हाथों को यहाँ पर इस जगह जो हड्डी होती है ना, इस जगह पर, ठीक है, तो पहले बाई नासिका से शुरू करना है, सांस को पहले बाई नासिका से खींचेंगे, दाहिने से निकालेंगे, दाहिनी से खींचेंगे,
वहां से निकालेंगे, कोई आवाज नहीं हो, बिल्कुल निशब्द, और ऐसे ऐसे नहीं, आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी जानते होंगे। और बहुत जोर नहीं लगाना है नाक पर, यहाँ पर जो यहाँ जो हड्डी होती है ना, वहां पर आप हाथ रखोगे उतने से ही काम हो जाएगा। एक बार करके आप लोग जरूर देखिएगा, पहले आप लोग सुन लो फिर अपने लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड में है, जैसे कि हम लोग कपाल भाती करते थे, उसमें क्या होता था, हम जोर जोर से पेट को हिलाते थे, है ना, पेट के ऊपर पूरा प्रेशर हमारा रहता था, उसे बंद करते नाक के साथ छोड़े। अगर आपसे नहीं होता है, आपकी आदत नहीं है, हाथ यहाँ पर रखे हल्के से ऐसे, जल्दी जल्दी सांस को ले छोड़े, जल्दी जल्दी सांस को ले छोड़े। एक राउंड में 60 स्ट्रोक्स आपको डाल लें, 3 राउंड करें इसके। आप लोग को समझ आ रहा है ना? और फिर है थर्ड राउंड, मतलब एक प्राणायाम। वो क्या करना है आपको, बाई नासिका से पहले हम लोग श्वास लेंगे, लेके फिर होल्ड करेंगे पेट में, और अपने हिप को सिकोड़ेंगे, हिप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपनी सांसों को अपने पेट में ही रखते हुए जितनी देर आप होल्ड कर सकें उसे होल्ड करें, और फिर बहुत धीरे धीरे उसे छोड़ दें। ऐसे कंटिन्यू, मतलब आप 6-7 बार करके फिर रुक सकते हैं, फिर 6-7 बार करिए, फिर रुकिए, फिर 6-7 बार करिए, फिर रुकिए। ऐसे आप अगर 3 राउंड से भी ज्यादा लगा सकते हैं तो 3 राउंड से 4-5 राउंड भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 प्राणायाम आपको इस तरीके से करने हैं। समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज करिए तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, तो मतलब मैं समझूं कि आप लोग को समझ आ रहा है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए, थोड़े कुछ आप लोग बोलिए तो फिर मुझे समझ आएगा कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट अभी एक्सरसाइज हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, और अलोम विलोम से शुरू करेंगे। बाई नासिका से श्वास को भरें, दाहिनी से छोड़ दे, और फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरे, और बाएं से छोड़ दे, फिर बाएं से भरे। आंखें बंद रखें, कोई भी आंखें ना खोलें, आंखें बंद रखते हुए और इस प्राणायाम को करें, कंटिन्यू करते रहें। कुछ देर और करें, 2 मिनट के लिए करना है आप लोगों को। पूरी श्वास भरें पेट में, पूरी श्वास भरें और पूरी श्वास छोड़ दें। कोई भी रुकेंगे नहीं, सब करते रहें।
बहुत अच्छा राजेश जी, योगेश जी, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और प्राणायाम के बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे। यस, अब बाहीं नासिका से ही अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने नॉर्मल हो जाने दें सांसों को। 2 मिनट के लिए रुकें। बहुत अच्छा राजेश जी, आपने बहुत अच्छे से किया। यस, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारा? जल्दी जल्दी सांसों को दोनों नाक से बाहर छोड़ना लेना, एकदम प्रेशर से, जैसे कि नाक से ही सांस ले रहे छोड़ है, नाक से ही सांस ले रहे छोड़ है, बिल्कुल जल्दी जल्दी। कंटिन्यू करते रहें और 60 काउंट करें, ऐसे 3 राउंड हमें करने हैं। एक राउंड हो गया, एक राउंड अभी हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोग 2 ही राउंड करेंगे क्योंकि अभी हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे तो थोड़ा समय हमें कम हो जाएगा। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस बस कर लो, कल से आप लोग अपने आप पूरा करना। और मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊं तो मुझे रिजल्ट जरूर बताइएगा। सेकेंड राउंड शुरू कर लें। गर्दन सीधी रखे महेश जी। देखिए, वीडियो ऑन रखने से है ना, कुछ भी अगर मिस्टेक हो रही है या कुछ भी तो पता चलता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से सेकेंड राउंड भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया होगा मुझे लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम, ये आप लोग 3 राउंड करेंगे। आज हम लोग अभी, अब समय नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, पर आप लोगों को 3 राउंड करना है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, ये प्राणायाम जो है ये बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है। इसमें क्या है कि इफेक्ट जो है हमारे नाभि के ऊपर पड़ेगा। जो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो पावर मतलब है, जो हमारे सोल का पावर है, वो वहां पे एक्टिव हो जाता है। ये जो 72,000 नाड़ियों की मैं बात कर रही थी वो वहीं आकर के मिलती है, और वहां से अगर उसे पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तो बहुत जल्दी एक्टिव होंगे। तो पहले सांसों को भरें, हाथ अपने आराम से अपने गोदी में, आंखें बंद करते हुए सांसों को पूरा भरें और रोके, पेट में ही सांस को रोके, अपने हिप को सिकोड़ते हुए रोके, जब तक आप रोक सके उसे रोके। और फिर जब लगे कि अब सांस छूटने वाली है, नहीं अब रोक सकते, तो धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से सांस भरें, सांसों को रोके पेट के अंदर में ही, पेट फुलाकर पूरा, और हिप को सिकोड़े, वहीं रोके रखे, बंद लगा के जैसे। और जब सांस छूटे धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ दें।
अगेन, फिर से पूरी सांस पेट में भरे, सांस पेट को फुलाएं पूरा। हिप को सिकोड़े, सांसों को रोके रखें, धीरे धीरे छोड़ दें। कोई भी आंखें नहीं खुलेंगे। लास्ट राउंड, उसके बाद आपको आंखें नहीं खुली हैं, इसी तरह हम ध्यान में गहरे चले जाएंगे। फिर से श्वासों को भरे, होल्ड करें, होल्ड होल्ड, पेट को फुला के रखें, हिप को सिकोड़े, धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें, रिलीज। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। इस वक्त आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं, आंखें बंद रखें, कोई भी आंखें ना खोलें, कुछ भी काम हो। ये 15 मिनट अपने आप को अपने लिए देते हुए चश्मे निकाल लें, जो चश्मे लगा रखे हैं, आंखें नहीं खोलेंगे, सिर्फ चश्मे उतार दें और अपना पूरा ध्यान अपनी बंद आंखों से अपने पैरों की तरफ ले जाएं। अपने दोनों पैरों को इस वक्त आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं। जब हमारी फिजिकल आंखें बंद हो जाती है तब हमारे भीतर तीसरी आंख, उससे हम देख पाते हैं। तो अपना पूरा ध्यान आप इस वक्त अपने शरीर के जिस हिस्से पर ले जाओगे आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं, अपने तलवे से लेकर पूरे पैर पर। इस वक्त आप अपने दोनों पैरों को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। उन्हें पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और मन ही मन अपने पैरों से आप बातें करिए, जैसे कि आप अपने पैरों से कह रहे हो, थैंक यू, आई लव यू। कभी आपने अपने पैरों को धन्यवाद दिया है कि वो हमारे लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, हर वक्त हमारा मूवमेंट का सहारा बनते हैं। आज उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करिए कि आज मेरे दोनों पैर जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे जीवन में, मेरे मूवमेंट में, हर कार्य में, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्यार से उसे कहिए, आई हैव लव यू। अब अपना ध्यान अपने हिप पर और अपने स्पाइन पर लाएं, स्पाइन के हर एक हिस्से पर, लोअर मिडिल अपर। हर एक हिस्से को इस वक्त आप देख पा रहे हैं और हर एक हिस्से को बहुत प्यार से रिलैक्स करते हुए ढीला छोड़ दें, शिथिल कर लें और बहुत प्यार से कहें,
अपने शरीर से आज जो आपको बातें करने का, उसे हील करने का मौका मिला है, इसे ना छोड़े। प्यार से अपने स्पाइन के हर एक हिस्से को कहें, आई लव यू, थैंक यू। हमारे स्पाइन, जो कि हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं, हमारे हर एक इमोशनल ड्रामा को, ट्रॉमा को अपने ऊपर ढोते हैं। आज उसे पूरी तरह रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और प्यार से कहिए, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी वजह से, मेरी भावनाओं की वजह से जो भी तकलीफ मैंने अपने शरीर को पहुंचाई, उसके लिए सॉरी, आई लव यू, आई लव यू। अब अपना ध्यान अपने पेट, पूरे पेट पर लाए, पेट के हर एक हिस्से पर, हर एक ऑर्गन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए उसे प्यार से कहे, आई लव यू, थैंक यू। हर एक ऑर्गन अपना काम कितनी अच्छी तरह हर वक्त कर रहे हैं। हम कुछ भी खाएं, हमारे ऑर्गन्स को पसंद आए या ना आए, वो अपना काम उसी तरह करते हैं कि हम स्वस्थ रह सके। तो थैंक यू तो बनता ही है, तहे दिल से अपने हर एक ऑर्गन को थैंक यू कहें, धन्यवाद दें। और अब अपना ध्यान अपने चेस्ट, छाती पर लाएं। और अपने इस हिस्से को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाने दें। हमारे हर एक आर्टरीज, हमारे शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड का संचार करती है, ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाती है, पर यह भी कितने प्यारे ढंग से हो रहा है, पर क्या हमने कभी इन्हें थैंक यू कहा? आज बहुत प्यार से इसे रिलैक्स करते हुए कहें, थैंक यू, आई लव यू। जितना प्यार आप महसूस करेंगे अपने हृदय चक्र में, वह प्यार आपके पूरे शरीर में इस वक्त फैल रहा है। तो बहुत प्यार से, दिल से धन्यवाद करते हुए, रिलैक्स करते हुए अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लाए। यस फ्रेंड्स, हमारे कंधे हमारा हर एक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारा बोझ हमारे कंधों पे होता है। हर वक्त उसे ढोते हैं और हम उसके अपने कंधों पे वह सब बांधे रखते हैं अनजाने में। आज अपना यह बोझ उस देर के लिए अपने कंधों से उतार दीजिए, हल्का कर दीजिए अपने कंधों को। जो भी फिक्र है, जो भी इमोशनल पेन, वह सब कुछ या कार्य की
आपके काम की कोई चिंता, सब कुछ कुछ देर के लिए अपने कंधों से उतार दीजिए। अपने कंधों पर ये जो भारी बोझ आपने बांध रखा है, उसे अपने कंधों को आजाद कर दीजिए। और बहुत प्यार से अपने ही कंधे को थपथपाए और कहें, आई लव यू, थैंक यू। मेरा इतना बोझ जो सहा इतने दिन, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब से रिलैक्स करते हुए महसूस कर रहे हैं आप कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं, भार मुक्त हो गए हैं। और अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे लाएं। हमारी दोनों हाथ हमारे हर एक टेंशन का, हर एक चिंता का केंद्र बन जाते हैं। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल फ्री कर लीजिए, मुक्त कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और इस वक्त आपकी उंगलियों से जो ऊर्जा बाहर जाने को तैयार है, उसे जाने दीजिए। उस ऊर्जा की आपको कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने दोनों हाथों से, अपने उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। यस फ्रेंड्स, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, उंगलियों को रिलैक्स करते हुए उसे प्यार से थैंक यू कहें, आई लव यू, थैंक यू। और अब अपना पूरा ध्यान अपने गले और गर्दन पर लाएं। अपने गले और गर्दन को रिलैक्स करते हुए प्यार से कहें, आई लव यू। और अब अपना पूरा ध्यान अपने पूरे चेहरे पर लाएं। फोरहेड, आंख, नाक, कान, कान के आसपास का हिस्सा, सभी को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। हमारे शरीर का एक छोटे से छोटा हिस्सा भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, चाहे हमारे आंख, नाक, कान, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम एक मिनट में ही घबरा जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो हम इससे ले रहे हैं, क्या उसके लिए हम आभार महसूस करते हैं? आज बहुत प्यार से अपने शरीर के हर एक हिस्से को थैंक यू कहते हुए, अपने आंख, कान, नाक, सभी को रिलैक्स करते हुए, थैंक यू करते हुए अपना ध्यान अपने सर के ऊपर और पीछे के हिस्से पर लाएं। इसे भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाने दें। हर एक हिस्सा हमें हमारे आभार का हकदार है। अपने सर के ऊपर और पीछे के हिस्से को धन्यवाद कहते हुए अपना पूरा ध्यान अपने बालों पर लाएं। और इस वक्त बालों से निकलती भी जो ऊर्जा है, उसे निकल जाने दें। उसे बाहर निकल जाने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस ऊर्जा की आपको जरूरत नहीं है।
और अपने बालों को थैंक यू कहें। यह भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हर एक हिस्सा हमारे शरीर का बहुत ही साइंटिफिकली तैयार हुआ है और अपनी बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखता है। यस फ्रेंड्स, जब हम किसी को प्यार करते हैं या अपने लिए प्यार को महसूस करते हैं तो वह हीलिंग, वह प्यार हमें भीतर तक हील करता है। वह कंपैशन हमारे हर घाव को भर देता है। अपने पूरे शरीर को जिस तरह भी आपने प्यार किया, उसे धन्यवाद दिया, उसे महसूस करें अपने हृदय चक्र पर, अपनी सांसों में हर एक सांसों के साथ अपने अंदर गहरे उतरते हुए आखिरी 5 मिनट अपने सांसों के साथ एक होकर जुड़े रहे अपने साथ। हर एक श्वास आपको और गहराई में अपने भीतर ले जाएगी, आपसे जोड़ेगी। हर एक श्वास आपको और अधिक Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.
Yeah, twins. अब समय हो रहा है कि आप फिर से अपने आप को इस शरीर में महसूस करें। और जिस गहराई में इस वक्त आप अपने साथ जुड़े हैं, उससे बाहर आने के लिए एक लंबी गहरी सांस लें, जिससे कि आप अपने शरीर को फिर से अनुभव कर सके। एक और लंबी गहरी सांस के साथ अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को सुनें, पर मन ही मन धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें ग्रुप के सभी मास्टर्स का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का जो आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। पितामह पत्री जी का धन्यवाद करें, अपने आप का, अपने शरीर का, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। कोमलता से अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलें, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू पिनाकिन जी। एक्सेलेंट सेशन मैम, बहुत बढ़िया सेशन हुआ। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब अपने मेडिटेटिव स्टेट में चला गया और वापस भी आ गया। यस, प्राणायाम करने से व्हेन इज द नेक्स्ट सेशन, जब पिनाकिन जी कहेंगे नेक्स्ट सेशन तभी होगा। और ये फ्रेंड्स, आप लोग भी प्राणायाम को प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी पिनाकिन जी कह रहे थे कि मैं कब ध्यान में चला गया मुझे नहीं पता, तो जब आप प्राणायाम करोगे ध्यान से पहले, आप सही में इस स्टेज में हर दिन इसे अनुभव कर सकते हो कि कब आप ध्यान में चले जाओगे, अपने साथ जुड़ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। देखिए प्राणायाम में क्या है, अपने प्राणों के साथ जुड़ना है ना। तो जब हम ध्यान में क्या करते हैं, हम यही करते हैं। तो जब हम अपने कॉन्शियसली अपने सांसों के साथ इतनी अच्छी तरह जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ध्यान में तो गहरे उतर ही जाएंगे। यस राजेश जी, आप अपने कुछ अनुभव बोलना चाहते हो तो जरूर बोलें। सबको ऑप्शन कर दीजिए कि मैं आपको बना देती हूँ पिनाकिन जी, आप ऑप्शन कर दो सबको कि आप अनम्यूट कर सकें। यस ज्योति जी, थैंक यू थैंक यू। कोई अपना एक्सपीरियंस आज का और शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सबको ऑप्शन दे दो ना पिनाकिन जी की, वो अपने आपको अनम्यूट कर सके। सभी को ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट करके बारी बारी से आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। प्लीज अनम्यूट करके आपका फीडबैक शेयर कीजिए। ज्योति मैम, आप अनम्यूट करके बताइए मैम। कई लोगों ने तो काफी अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से किया है पूरा प्राणायाम और मेडिटेशन। सब जितने लोग अभी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सभी ने किया है। यस, किसी को कुछ कहना है? मैम ज्योति मैम, ज्योति मैम ने लिखा हुआ है एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू मैम। हाँ, मैंने पढ़ा वो।
वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, आप उनको अनम्यूट का वो भेज दो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम, बहुत ही अच्छा सेशन था आपका। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मुझे लग रहा कि आज तो बड़ा अच्छा सेशन मेरा मिस हो गया। होपफुली ये सब करने के बाद होपफुली हम सबको लाभ मिलेगा, एंड वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन। यस, थैंक यू ज्योति जी, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है सेशन की, आप लोग इसे जरूर देखें। मैं एक सीरीज टाइप से इसे करना चाहती हूँ कि आप लोग को ओवरऑल इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिले, और जो भी हीलिंग के इस प्रोसेस में आना चाहते हैं वो अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सके। सिर्फ मेडिटेशन तो हम लोग करते ही हैं, उसके साथ साथ में कुछ और एफर्ट हम अपने आप के साथ में करें तो अपनी अगर जो हीलिंग है हमारी वो बहुत फास्ट हो सकती है। और ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक है, जस्ट हमें अपने लिए समय निकालना है, और आज नहीं तो फिर कब। करुणा जी, मैं नीरज भारद्वाज की वाइफ बोल रही हूँ। यस नीरज को भी अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, एंड ही इज प्लानिंग टू अटेंड इट रेगुलरली। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू, एंड थैंक यू नीरज, आज आपने भी ज्वाइन किया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू करुणा जी, आप म्यूट हो गए हो। मैम आपने आनी जो थी, हाँ एक क्वेश्चन था, जो आप ये प्राणायाम बता रहे हैं क्या वो लेट के कर सकते हैं? क्या आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप बैठ नहीं सकते हो, तो यस आप लेट के करो। और आपने पहले बताया अलोम विलोम, फिर कपाल भारती। कपाल भारती का जो अपने लोग जो मेथड यूज करते थे या शुरू से हम लोग जानते आ रहे थे, उस टेक्निक को नहीं करना है आपको। जो मैंने बोला कि सिर्फ नाक से ही सांस को लेना एंड छोड़ना है, फास्ट, बिल्कुल फास्ट, और ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, आराम से लेकिन फास्ट अपने नाक से ही सांस को छोड़े और ले, राइट। और ये 60 स्ट्रोक्स हमें लगाने हैं, और ऐसे 3 राउंड हमें करने हैं, 60 स्ट्रोक्स के 3 राउंड्स। हाँ जी ठीक है, थैंक यू मैडम। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हो प्लीज लेट के करें। किसी को भी अगर मेरी कुछ भी इस टेक्निक को जो मैंने बताया है उसे अगर 1% भी अगर फायदा होता है ना, तो मेरे लिए वो 100% होगा। प्लीज आप लोग करें, आप लोग करें। अगर आप लोग नहीं करोगे तो रिजल्ट फिर आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो चूज जो करना है, हीलिंग जो चूज करनी है वो आपकी अपनी है, और आप अपने लिए वो चूज करते हो तो ही आपको फायदा होगा, राइट। यस, बोलिए आप, बोलिए, आप कुछ और बोलना है, किसी को पूछना है? थैंक यू एवरीवन। मैडम थैंक यू मैडम, आपने अभी तक तो हमने बहुत सारे मेडिटेशन का देखा था, पर इसमें एक अलग देखा कि बॉडी पार्ट को अपने ग्रेट उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे। यस, वो जरा अच्छा लगा। अपने बॉडी पार्ट को, जैसे पैर को, हाथ को, अपने उसका ग्रेटिट्यूड मान रहे हैं, वो एक जरा सा अच्छा लगा। उससे क्या है कि थोड़ा वो अपने उसके प्रति वो ये नहीं होता कि मान लो अपना काम हाथ कर नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, फिर भी अपने उसका ग्रेटिट्यूड मान रहे, ये अच्छी बात है। कर नहीं रहा मतलब, जैसे मतलब हाथ में तकलीफ है, पांव में तकलीफ है, और फिर भी अपने उसका ग्रेटिट्यूड मान रहे हैं, तो उसके प्रति एक पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग आ रही है यूं। वाओ, वेरी गुड। नंबर वन, तो एक चीज देखिए कि कभी तो आपके हाथ पैर ने आपका साथ दिया था, हाँ, तब क्या आपने उसके लिए आभार व्यक्त किया था? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि हम अपने आप को प्यार करते ही नहीं है, वही भूल जाते हैं। पूरी दुनिया को, हर चीज को हम प्यार करते हैं, पर अपने आप को जो हम प्यार नहीं करते हैं, वही हमें सीखना है। कुछ ज्यादा नहीं सीखना, इतनी सी ही बात है कि जितना हम अपने आप को प्यार करना सीखेंगे, हम सारी इस चीजों से हम बाहर निकल आ जाएंगे बहुत आसानी से। और जितना हम आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही, जैसे आपने बोला कि हम पॉजिटिविटी से भर रहे हैं, बहुत सुंदर, आज तो मुझे लगता है कि मेरा गिफ्ट मिल गया। मतलब इतना सुंदर आपने बोला है कि मैं पॉजिटिविटी से भर गया, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। थैंक यू। मैं आपका thank नाम you. तो नहीं देख पाई कि आप कौन बोल रहे थे, बट थैंक यू। यस, किसी और का नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, कुछ और बोलना चाहेंगे? वो योगेश जी बोल रहे थे, योगेश शर्मा जी। ओके, थैंक यू योगेश जी, आपने बहुत सुंदर से प्राणायाम भी बहुत अच्छे से किया, और प्लीज कंटिन्यू रखें। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी मेंबर्स से कि आप लोग सभी अपने सारे एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें। यस, किसी और को, और किसी को कोई फीडबैक शेयर कर सकते हो, और किसी को करुणा जी के पास कोई डिमांड रखनी हो तो अगले सेशन के लिए आप वो भी शेयर कर सकते हो। ये पिटाकिन जी ने सही कहा। ओके मैम, तो अगले सेशन के बारे में बताएंगे क्या टॉपिक होगा, तो अभी लोगों को बता देते। नेक्स्ट सेशन भी जब भी आप करवाते हो, जब भी होगा, अपना हीलिंग को लेकर के ही होगा। मतलब देखिए, हीलिंग से रिलेटेड ही मेरे सारे अभी रहेंगे, और मुझे अभी तो नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगी, बट इमोशनल हीलिंग के ऊपर मैं जरूर काम करना चाहूंगी। इमोशनल जो हमारे ब्लॉकेज है, उसको हम कैसे क्लियर करें, क्यों होते हैं, उन सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके मैम, और डिटेल से जानेंगे। ये तो आज तो जैसे मैंने मतलब मैं कहूँ तो बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट हम लोग जैसे जैसे क्लास होती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देन यस पिनाकिन जी, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम। आप सभी की तरफ से मैं करुणा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया मेडिटेशन करवाया करुणा जी, और थैंक यू एवरीवन, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी प्रकार मेडिटेशन किया कीजिए, और मैंने जैसे बताया कि द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम हीलिंग इज यू। कालू, अपने आप को स्टॉप करने भी वाले आप ही हो, और आप ही से स्टार्ट होने वाला भी आप ही से ही है। तो यू आर द ओनली पर्सन जहां हम अपने आप को स्टॉप करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। फ्रीडम भी आपके हाथ में है, और अपने आप को रोके रखना भी आपके ही हाथ में है। ओके फ्रेंड्स, अब अपने लोग स्टॉप करते हैं, मेंटिंग को एंड करते हैं आज के सेशन को। या मैम, थैंक यू सो मच मैम। किसी को कोई क्वेरी होगा तो आप अभी लास्ट मिनट है, आप पूछ सकते हो, ये तो अभी हम सेशन एंड करेंगे। थैंक यू मैम अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आप मैं आगे भी लिंक के सेशन देते रहिए, ये भी आपको टाइम होगा तभी आप हमारे लिए टाइम निकाल के आइए मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, एक चीज और पिनाकिन जी, एक रिक्वेस्ट था आपसे कि आपको सेटिंग के अंदर में शुरू में जा करके अपने जो होस्ट वाला है उसमें को होस्ट का भी ऐड कर सकते हो। हाँ, तो फिर वो इजी हो जाएगा हैंडलिंग करने में आपको।
ओके मैम, मैं चेक कर लूंगा क्योंकि ये यूएस का अकाउंट है, आई कैन नॉट चेंज एनी सेटिंग्स, बट आई विल ट्राई दैट आउट। ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पिनाकी जी, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।